गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार में। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली बेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश के बुक का चैप्टर नंबर तीसरा, जिसका नाम है द गंगा, जिसे लिखे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस लेसन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने लगाव, अपने स्नेह, जो उनका स्नेह या लगाव गंगा नदी के प्रति था, उसको उन्होंने इस लेसन के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि वह गंगा नदी से कितना अपार स्नेह करते हैं और प्रेम करते हैं। तो इस लेसन में हम डिटेल से उसके बारे में जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू गंगा नदी से कितना स्नेह करते हैं, उनके प्रशंसा के बारे में, गंगा नदी के प्रशंसा के बारे में उन्होंने इस लेसन में क्या कहा हुआ है। तो चलिए इसको डिटेल से मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। चलिए, यहाँ दिया है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। लव मतलब प्रेम, अफेक्शन मतलब स्नेह। मैंने इतना प्रेम और स्नेह रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया है फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतवासियों से, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे। रिपे का मतलब होता है पुनः भुगतान करना, इवेन अ स्मॉल फ्रैक्शन, यहाँ तक कि एक छोटा सा भाग ऑफ इट मतलब इसका, करें कि भारतीय लोगों से जितना मुझे प्रेम और स्नेह मिला है उसका एक छोटा सा भाग भी मैं उनको वापस नहीं कर सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सच प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। करें कि वास्तव में जो स्नेह है, इस तरह की अमूल्य चीजों का रिपेमेंट मतलब इसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत लोगों की प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवर्ड, और बहुत लोगों का रिवर्ड मतलब सत्कार किया गया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल, यानी कि जो भारतीय लोगों के हर वर्ग से जो मुझे स्नेह मिला है, हैज कम टू मी, यानी कि मुझे प्राप्त हुआ है, इन सच एबंडेंट मेजर, इतना ज्यादा, एबंडेंट का मतलब हो जाएगा प्रचुर, मेजर मतलब यानी कि इतना प्रचुर मात्रा में जो मुझे स्नेह मिला है, दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाय इट, कर है कि मैं इससे ओवरहेल्म्ड, बहुत भाव विभोर हो गया हूँ या अभिभूत हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, केवल मैं एक आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, यानी केवल अपने जीवन के शेष समय में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, यानी कि मैं अपने लोगों तथा उनके प्रेम के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। टू माई इनम्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कॉलिग्स, कराए कि मेरे इनम्यूमरेबल मतलब हो जाएगा असंग, कॉमरेड मतलब हो जाएगा साथी, एंड कॉलिग्स मतलब हो जाएगा सहकर्मी, यानी कि जो मेरे असंख साथी और सहकर्मी हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनका कृतज्ञ हूँ, यानी कि मैं उनका बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, करें कि हम सभी लोगों ने ग्रेट अंडरटेकिंग्स मतलब महान कार्यों में ज्वाइंट पार्टनर्स मतलब इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ एंड सॉरोज, और हमने विच इनवाइटेबली ए कंपनी देम, देख लीजिए यहाँ पे ट्रायम्फ एंड सॉरोज का मतलब हो जाएगा सुख और दुख, एंड इनवाइटेबली मतलब अनिवार्य रूप से एक कंपनी मतलब भागीदार रहे हैं। आगे लिखा कि वेन आई डीड, जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमिटेड, मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का क्रीमिटेड मतलब होता है दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरता हूं, माई बॉडी शुड बी क्रीमिटेड देयर, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं किया जाए। एंड माई ऑशेज सेंट टू इलाहाबाद,
और मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज ऑसेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा। कह रहे हैं कि उन अस्थियों का स्मॉल हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर भाग थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम और उन अस्थियों का ज्यादातर जो भाग है डिस्पोज्ड आप निपटारा किया जाए इन द मैटर इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि मैंने नीचे इंडिकेटेड किया है, आप लोगों को बताया है या सूचित किया है। नो पार्ट ऑफ दिस असेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व। कह रहे हैं कि मेरी अस्तुओं का कोई भी भाग को सुरक्षित बचा करके न रखा जाए।